आज मैं बहुत बढ़िया कुछ अलग सी मैगी बना रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट चीजी मैगी, और वो भी स्पाइसी। ये क्या स्पाइसी मैगी? ये मैगी तो रोज बनती है घर में, तो फिर इसमें स्पेशल क्या? स्पेशल तो ये है कि एक दो छोड़ के 100 बनाओ, फिर पता लगता है कि हाँ कुछ स्पेशल बनाया है। 100 मैगी? हाँ जी। 100 मैगी कहाँ से आएगी? ये ले। ओ भाई, आप तो जादूगर हो यार, 100 मैगी आ गई इतनी जल्दी? अब बना इसे। तो बनाने के लिए कोई, मेरे पास इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं है, उसके लिए भी तो बर्तन चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? ये ले, बर्तन भी आ गए। हे भगवान, मैंने क्यों मैगी बनाई आज? ये 100 मैगी कैसे बनेगी? वेलकम टू डिम्पल्स किचन। तो आज तक तो हमने छोटा छोटा फूड बनाया, क्योंकि हम लोग 4 जने हैं खाना खाने वाले, और बहुत थोड़ा खाना बनता हमारे घर में। आज हम बनाने वाले हैं 100 मैगी। 100 मैगी बनाने में कितना टाइम लगेगा, कितना इसमें पानी लगेगा, और सबसे बड़ी बात, 100 मैगीज कौन खाएगा, वो हमें देखना है। और पहले, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कितना पानी लगेगा। 100 मैगी मतलब 100 कप पानी, तो वो पहले पानी डालेंगे उसमें, उसके बाद फिर प्रोसीजर दिखाते हैं आपको। तो ये आ गया हमारे पास 100 मैगी चैलेंज करने के लिए एक बड़ा चूल्हा और बहुत बड़ा पतीला। इसमें 100 की बजाय 1000 मैगीज बन सकती है। लिटरली आपका पूरा किचन मम्मी भर चुका है, पूरा किचन ऑक्यूपाइड हो गया है एक ये सिर्फ गैस लगाने में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें डालते हैं पानी। इसमें तो नहा भी सकता है इंसान। हाँ, ये कर लो पहले। बस पहले तेरे को नहाना चाहिए इसमें। नहीं, आप नहा के कोशिश करो, फिर मैं देखता हूँ। पानी भी गर्म हो रहा, सर्दी आ रही है, गर्म पानी। चलिए शुरू करते हैं। पानी डालना चालू करो। आप कितने मत डाल चुके हो, आइडिया है? इसमें 50 कप डाल चुके हैं हम, अभी 50 और बाकी हैं, तो बाकी पानी इसमें डालते हैं। ये लो, तो एक मम्मी मैगी बना रही थी ना, वो भी इसमें दही भैंस पानी ले। पानी गर्म हो गया है, अब हम मैगी डालनी स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारे मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं। ये 100 मैगी चैलेंज आसान नहीं है, देखने में तो लग रहा था कोई बात नहीं हो जाएगा। पापा इतनी मेहनत करते हो, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। मतलब ये चैलेंज आसान नहीं है यार, बहुत गंद पड़ गया। ये मलन साहब सिर्फ मैगी डाली जा रहे हैं, पैकेट जो मुश्किल है ना खोलना, वो मेरे को पकड़ा रहे हैं। नहीं, एक आदमी को दो चीजें संभालनी पड़ रही हैं। अगर एक चीज करो तो एक सेकंड में डल रहा है। ये देखो, ये निकाला, ये गई भैंस पानी में। मैगी को कह रहे हैं भैंस गई पानी में। अभी भी ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी पड़ी है, इतनी सारी हमने खोली है। अरे ऐसे लग रहा है, 2 साल से इसे खोले जा रहे खुली नहीं रही है, खत्म ही नहीं हो रही। मैं बनाना उसने, मेरी थोड़ा कोई जिम्मेदारी है। जिसने चैलेंज दिया है वो हेल्प तो करेगा। जब आपने 7 फेरे लिए थे ना, तब आपने कहा था 50-50% का भागीदार हूं मैं हर चीज में। अरे मैंने तो कहा था बातें करने में और असल जिंदगी तेरे संग लूं साथ तेरे। लग रहा है मलन साहब के पसीने भी जा रहे हैं। वो डाल दिया पैकेट बीच में। हादसा फिर से हादसा हो गया। हादसा पार्ट 3। हादसा पार्ट 3। मैगी बनाते हुए मैगी मसाला का पैकेट बीच में गिर गया। इसमें 70 मैगी डल चुकी है, सिर्फ ये 30 मैगी बची है। मेरे को लग रहा है पानी ज़्यादा हो गया है, अभी देखते हैं 30 मैगी और डाल के कि जो पानी निकाल लो थोड़ा सा। अभी 30 मैगी और पड़ी है,
अरे यार मुझे तो सच में लग रहा है गलत ही चैलेंज दे दिया है। सारा कुछ बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और मेहनत हमने कभी करी नहीं है। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अन्नू कभी देखा तूने ये सब होते हुए? नहीं, मैं तो आज ही देख रही हूँ। 100 मैगी, ये 100 मैगी हमारी डल गई है, लेकिन पानी हो गया बहुत ज्यादा और इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा पानी को, क्योंकि मैगी पूरी बन चुकी है। अभी पानी में से हम मैगी छान रहे हैं। ये 100 मैगी नहीं, मुझे लग रहा 200 मैगी का पानी डाल दिया हमने। अन्नू ने बस कर दिया था पानी, मल्लन साहब बोल रहे और डालो है ना, बोला था वो डाली थी सिर्फ वो एक आधा वो डाला था बस, वो तसला तसला नहीं, वो पतीला छोटा था। मैं बहुत है वैसे किसी को बनाओ स्वाद। गाइस उकरा फैन ब्रिगेड आर्मी और वंडर्स हब आर्मी और डिंपल आर्मी के लिए मैगी खानी है। मैगी खा लो फ्रेंड्स, मैगी खानी है, खा लो फ्रेंड्स। आकर आप आ आ आ आ आ खाओ आ आ आ खाओ पहले डिश। कैसी लगी? बिल्कुल फीकी। मसाले पापा ने छुपा लिए। मम्मी हाउ डज इट फील टू कंप्लीट 100 मैगी चैलेंज? ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी जंग जीत ली मैंने 100 मैगी चैलेंज करके। जंग आप तब जीतोगे जब ये स्वाद होगी। वो स्वाद होगी क्योंकि मैंने पहले टेस्ट कर लिया, बहुत फीकी थी, अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं तो अच्छी बन गई है। इतना इतना खाना बनाने वाले आज इतना सारा खाना बना रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग ही हो गया है। 4 पतीले मैंने पानी के निकाल दिए और बहुत सारे मसाले भी डाल दिए। अब ये जो खाएगा वो ही बताएगा कि मैगी असल में कैसी बनी है। तो मैगी हमारी बन चुकी है, अब हम टेस्टिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। मैगी तो हमारी बन गई लेकिन इतनी मैगी खाएगा कौन, तो इसलिए हम नीचे चलते हैं और वहां मंदिर के बाहर बहुत से लोग होते हैं तो उनको बांट देंगे। ये हमारे ना यहाँ सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये इन भैया को हम दे रहे हैं मैगी। ये भैया ने मैगी खाने से मना कर दिया, कह रहे मैं नहीं खाता मैगी ना। हम गेट के बाहर आए हैं मैगी बांटने और ढूंढ रहे हैं कि कौन हमारी मैगी खाएगा। भैया ले लो मैगी खा लो, चैलेंज तो हमने कर लिया लेकिन बहुत मुश्किल है, इतनी मैगी हम किसको बांटेंगे। ये गार्ड भैया हेल्प कर रहे हैं बंदे ढूंढने में। अनु भी लोगों को ढूंढ रही है। मैगी खाओगे भैया? मैगी खा लो। लोग भी ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हम क्या खिला रहे हैं। इतनी दुनिया है लेकिन लोग कह रहे मैगी नहीं खाते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी ना हम अपनी सोसाइटी से बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ पे आए हैं दुर्गा मंदिर और यहाँ पे हमें बहुत से बच्चे मिले हैं, यहाँ पे हम बांट रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिल गए हैं मैगी खाने वाले। अनु भर भर के खिला दे इनको सबको। एक्चुअली क्या ना, हम 3 बजे से लगे हुए थे लेकिन बहुत लेट हो गए, एक्चुअली 7 बज चुके हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी के बाहर हमें कोई नहीं मिला तो हम इतनी दूर आ गए हैं बांटने के लिए, क्योंकि जब 100 मैगी चैलेंज कर रहा है तो वो बांटना तो पड़ेगा ही। बहुत सारी भीड़ लग चुकी है, हमारी मैगी वेस्ट नहीं होने वाली। अब मैं बहुत खुश हूँ, मैगी अच्छी लगती है, है? सारी खत्म होने वाली है मैगी। डिंपल किचन, यस, थैंक यू भाई और बच्चे आपका देखते रहते हैं। थैंक यू। ये चैलेंज बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत टफ था। ये आफ्टर इफेक्ट्स देखो मेरी किचन का हाल। एक बाल्टी हम बांट के आए हैं और अभी एक बाल्टी और पड़ी थी तो मल्लन साहब ने क्या करा, जो ये बर्तन उठाने वाले आए थे जिनकी गैस थी
तो सारी मैगी उनको उठा के दे दी। उनको दे नहीं दी, उनको बोला मंदिर के बाहर वो बांट देंगे गरीबों में। दे दी ऊपर से उनको पैसे भी दिए कि ये भाई बांट दो। हम लोग बांट रहे हैं, इतना मजा आ रहा हमें बांटने में। घर आए कि दूसरी बाल्टी भी ले जाए और ये इतने में जी सारी बांट चुके हैं, मतलब पैसे भी दे चुके हैं लोगों को कि तुम बांट दो। तो फाइनली हमारा चैलेंज पूरा हो गया। इसने बहुत मेहनत करी, सारी मैगी हमने बांट दी है और अब इसने मेहनत करी है तो रिगार्ड तो बनता ही है। मैगी खाने का मौका ही नहीं मिला, बनी हुई जो मैगी थी।